हाई एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहांगीर। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 35 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक बेड से उतारने की कोशिश करते ही कोई गंभीर आवाज़ में कहता है, एक कदम भी नीचे मत रखना। आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना सा था और आवाज़ दरवाजे की ओर से आ रहा था। जोंगकुक तुरंत दरवाजे की ओर देखता है तो ये और कोई नहीं, जिमिन था। जोंगकुक जिमिन को योंगी के घर में देखकर हैरान था। इससे पहले कि जोंगकुक कुछ भी कहता, जिमिन कहता है, आई नो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मैंने बहुत गलत किया है और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे लिए मुझे माफ़ कर पाना आसान नहीं है, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जोंगकुक युंगी के तरफ देखकर धीमी आवाज़ में कहता है, जिमिन जिमिन योंग वो यहाँ कैसे, उसे तो जेल में होना चाहिए था। युंगी कहता है, जिमिन के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे वो कल्प्रिट साबित हो। जोंगकुक कहता है, लेकिन उसने गुकी को भागने में हेल्प किया था। युंगी कहता है, आई नो कोई है जो जिमिन को जेल से छुड़ाने में मुझे हेल्प किया है, उसके हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। जोंगकुक कहता है, और वो इंसान कौन है? युंगी कहता है, जोंगकुक इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। जोंगकुक कहता है, क्या तुम योंग को पसंद करते हो? युंगी कुछ भी कहने से पहले थोड़ा हेजिटेट करता है। युंगी कहता है, हाँ मैं जिमिन को लाइक करता हूँ। जोंगकुक जिमिन के तरफ देखता है, जिमिन उसे स्माइल देता है। जोंगकुक डीप ब्रीथ लेकर कहता है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये कहकर जोंगकुक फेस नीचे कर लेता है। युंगी कहता है, जोंगकुक तुम ठीक हो? जोंगकुक कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसके आंखों से फिर से आंसू निकल रहा था, उसे फिर से दिल में पेन होने लगता है। जोंगकुक रोते हुए कहता है, तेई मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है, उसने खुद मेरे मुंह पर डिवोर्स पेपर थ्रो किया है और मुझसे मेरे बेबीज को भी छीन लिया है। जोंगकुक अब और भी ज़्यादा जोर से रोने लगा था। रोने और बात करने के कारण जोंगकुक के गले में अब भयानक दर्द करना शुरू हो जाता है। जोंगकुक बुरी तरह खांसने लगता है। युंगी उसे ऐसी हालत में देखकर पैनिक करने लगता है। युंगी कहता है, जिमिन जल्दी से डॉक्टर बांग को कॉल करो। जोंगकुक जबरदस्ती बेड से उतारने की कोशिश करता है। जोंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ योंगी मेरा हाथ छोड़ दो, मैं अपने बच्चों को उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, वह पता नहीं मेरे बिना आयन क्या कर रहा होगा और मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और मेरे डॉटर वो कैसे बिना मदर के सरवाइव करेगा? तेको बेबी पालने की बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता है। नहीं मुझे अभी वहाँ जाना होगा, हो सकता है ते मुझे ढूंढ रहा हो, उसने गुस्से में आकर मुझे घर से निकाल जाने के लिए कहा होगा। हाँ ऐसे ही होगा, वो गुस्से का बहुत तेज है, लेकिन मैं जानता हूँ ते मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने उसका प्यार महसूस किया है, हो सकता है उसे किसी ने मेरे खिलाफ भर गया हो। हाँ यही होगा, मुझे अभी अपने पति और बेबीज के पास जाना होगा। जिमिन और योंगी दोनों मिलकर भी जोंगकुक को रोक नहीं पा रहा था, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पता नहीं उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ गई। जिमिन उसे रोकने के लिए उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाकर जोंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। जिमिन कहता है, स्टूपिड तुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर तू जानबूझकर समझना नहीं चाहता है, डिवोर्स इज बिग थिंग, उसने डिवोर्स की बात की तो ज़रूर वो सीरियस होगा। जोंगकुक कहता है, लेकिन अचानक क्यों? मैं एक बार उससे बात करके रीज़न जानना चाहता हूँ, बिना रीज़न के वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता। युंगी जोंगकुक को शांत करने के लिए कहता है, ठीक है मैं उससे तुम्हारी बात करवा दूँगा, पहले तुम शांत हो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा, ठीक है? जोंगकुक कहता है, अगर तेई नहीं माने तब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जिंदा रह पाऊँगा,
तभी दरवाजे से इबो अंदर आते हुए कहता है, तो हम तैयंग पर केस करेंगे और तुम बेबी कस्टडी के लिए केस फाइल करोगे। प्री मैच्योर बेबी को मादर से अलग रखना पॉसिबल नहीं है, इससे बच्चे की जान को खतरा है। एक प्री मैच्योर बेबी बिना माँ के ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, तुम उसे अपने पास आसानी से लेकर आ सकते हो। एक केस तुम ही जीतोगे। चौंकुक इबो के बातें सुनकर घबरा जाता है। चौंकुक कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं होगा। चौंकुक सेंसलेस होकर ग्राउंड पर गिर नहीं पाला था, लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही इबो अपना दोनों हाथ चौंकुक के कमर के चारों ओर लपेटकर उसे गिरने से बचा लेता है। इबो उसे बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर उसे चेक करता है। इबो कहता है, लिटिल म्यूट तुम बहुत जिद्दी हो, मैंने तुमसे बात करने से मना किया था लेकिन तुमने वही किया जो तुम करना चाहते हो। देखो तुमने अपना क्या हालत बना दिया है, अब तुम दो दिन तक बात नहीं कर सकोगे। इबो चौंकुक के आर्म्स पर इंजेक्शन पुश करता है। योंगी कहता है, क्या इस इंजेक्शन से चौंकुक सेंसलेस रहेगा? इबो कहता है, अब वो सीधा कल सुबह जागने वाला है, अभी उसे रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, उसे डिस्टर्ब मत करो, अब मैं चलता हूँ। जिमिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ बाहर तक चलता हूँ। इबो कहता है, नो नीड मिस्टर जे। जिमिन कहता है, थैंक यू इबो। इबो कहता है, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए नहीं किया, इसीलिए तुम ज़्यादा खुश मत हो, मैंने ये सब कुछ जोंगकुक के लिए किया है क्योंकि वो चाहता था तुम जेल से बाहर रहकर अच्छे से अपनी लाइफ को जियो, वरना तुम्हें तो सच में पानिश किया जाना चाहिए था। तुम्हारे वजह से लिटिल म्यूट को इतने सालों से उन लोगों के टॉर्चर झेलना पड़ा है। जिमिन चुप हो जाता है। दूसरे तरफ तैयंग लिटिल बेबी गर्ल को चुप कराने में बिजी था, वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। एक घंटे से लिटिल प्रिंसेस बस रो ही जा रहा था। लिटिल प्रिंसेस की रोने की आवाज़ सुनकर ओल्ड मिसेस किम तैयंग के कमरे में आकर लिटिल बेबी गर्ल को तेज से लेने की कोशिश करती है। तैयंग अपने मादर के हाथ पीछे की ओर धकेलते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, गेट आउट, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ सब यहाँ से। मिसेस किम कहती है, तैयंग तुम अपने मॉम के सामने खड़े होकर उनके साथ किस तरह से बात कर रहे हो? अचानक क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम मैनर्स भूल गए हो? तैयंग गुस्से में अपने मादर की ओर आईब्राउज रेज कर घूरते हुए ऊंची आवाज में कहता है, क्या आप सच में ये नहीं जानती हो या फिर आप मेरे सामने भोली बनने की नाटक कर रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए मॉम, सालों से जो आप करना चाहती थी वो आज आपके बेटे ने कर दिया है। मॉम मैंने उसे घर से निकाल दिया है, और क्या आपको पता है मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। तैयंग के आंखों से आंसू ड्रॉप होकर सीधा लिटिल गर्ल के चिक्स पर गिर रहे थे। मिसेस किम कहती है, ये तो अच्छी बात है, उस मनहूस से तुम्हारा पीछा छूट गया, उसे तो बहुत पहले ही हमारे ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए था, वही बार बार तुम्हारे लिए मुसीबतें लेकर आता था, तुम क्यों उस गुंगे के लिए रो रहे हो? वो तुम्हारे प्यार डिजर्व नहीं करता। तैयंग चिल्लाकर आजुम्मा को बुलाने लगता है, आजुम्मा आजुम्मा। मिसेस किम कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी, टेल मी, तुम्हारे मॉम अभी भी जिंदा है? आजुम्मा डोर पर नॉक करके कहती है, मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया? तैयंग कहता है, कम इन। आजुम्मा अंदर आकर लिटिल बेबी गर्ल को क्राई करते देख परेशान हो जाती है। तैयंग कहता है, पता नहीं क्यों वो रोना बंद ही नहीं कर रहा है, क्या आप बता सकती हो उसे क्या हुआ है, वो कैसे चुप होगा? आजुम्मा कहती है, लिटिल प्रिंसेस को भूख लगी है। तैयंग कहता है, ओह आई एम सो सॉरी माई लिटिल प्रिंसेस, डेट नहीं समझ पाए। आजुम्मा क्या आप मुझे टीच कर सकते हो, लिटिल प्रिंसेस को जब भूख लगे तब मैं उसे कैसे फिट कराऊँ? आजुम्मा कुछ भी बोलने से पहले डर रही थी। आजुम्मा कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, मास्टर अभी लिटिल प्रिंसेस बहुत ही छोटी सी है, अभी उसे सिर्फ नेचुरल फूड ही देना चाहिए,
जो बच्चे को उसके मदर से ही मिलता है। ऊपर से लिटिल प्रिंसेस की बर्थ बहुत ही अर्ली हो गया है, इसमें हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। त्यांग गुस्से में अजुम्मा के तरफ देखता है। अजुम्मा त्यांग के आंखें देखकर डर कर सिर नीचे की ओर करके खड़ी हो जाती है। त्यांग डॉक्टर को कॉल करता है। फोन की दूसरी तरफ से कहता है, हेलो मिस्टर किम, क्या सब ठीक है? त्यांग कहता है, नहीं, बेबी को भूख लगी है, उसे अभी हम क्या दे सकते हैं? डॉक्टर कहता है, जोंगकुक सो गया है क्या? तुम उसे जगा दो, वो खुद संभाल लेगा। त्यांग कहता है, वो नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। डॉक्टर कहता है, जोंगकुक क्या, वो कहाँ है? वो नहीं है का क्या मतलब? क्या उसे नहीं पता बेबी को उसकी ज़रूरत है? उसके बिना तुम इस बच्चे को नहीं बचा पाओगे। त्यांग वो एक प्री मेच्योर बेबी है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा वीक है। जल्द से जल्द जोंगकुक जहाँ भी है उसे लेकर आओ, वरना तुम इस बेबी को नहीं बचा पाओगे। त्यांग कॉल कट करते ही त्यांग के फ़ोन पर एक कॉल आता है। त्यांग फ़ोन नंबर देखकर तुरंत कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लिटिल गर्ल की रोने की साउंड से आयन नींद से उठकर अपने डैड के कमरे में आकर बड़ी बड़ी आँखें ब्लिंक करते हुए बहुत ही क्यूटली कहता है, पापा व्हाई लिटिल प्रिंसेस इज क्राइंग एंड व्हेयर इज मम्मा? तयंग आयन को शांत रहने का इशारा करता है। आयन बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा है, वो तयंग के एक बार बोलने से ही शांत होकर बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगता है। क्या ये सच है? ओके, तो फिर कल के दिन के लिए रेडी रहना, और हाँ, जल्दी से सब कुछ मुझे ईमेल कर दो। फोन की दूसरी तरफ से कोई कहता है, ऑलरेडी डन। त्यांग कॉल कट कर अपने मदर के तरफ देखकर कहता है, मिसेस किम, अपने हस्बैंड को कॉल करके कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बुला लीजिए, और हाँ, मैं चाहता हूँ आप आयन के टीचर मिस वायन को भी इसके लिए इनवाइट करें। मिसेस किम कहती है, व्हाट्स द मैटर बेबी? तयंग कहता है, डोंट कॉल मी बेबी, आई एम नॉट योर बेबी, नथिंग, बस मेरा मन है मैं आप सबके साथ सुबह एक ही टेबल में बैठकर नाश्ता करूँ। मिसेस किम कहती है, ओके। तयंग, मैं अपने पोते के लिए घर पर पार्टी रखना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, किम फैमिली के एक न्यू मेंबर से सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तयंग कहता है, सब होगा। आजुम्मा, थोड़ी देर के लिए आप इसे होल्ड करो। आजुम्मा तयंग के आर्म्स से लिटिल गर्ल को अपने गोद में लेकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है। मिसेस किम कहती है, ऐसे कब तक चलेगा? अब मुझे ही कुछ करना होगा, मैं अपने डॉक्टर से बात करूँगी। उस गुंगे को तो मैं इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगी, इतना चालाक है वो, मैं तो उसे भोला भाला समझ रही थी, लेकिन वो एक हैकर निकला, उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश किया था, इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। हमेशा उसने सिर्फ ट्रिक्स खेला है तयंग के साथ। यही सही समय है वायन और तयंग के रिश्ते के बारे में सोचने की। बच्चे को माँ की ज़रूरत है, वायन अच्छी माँ बनेगी। मिसेस किम ये सब कुछ फ़ोन पर अपने हस्बैंड के साथ कह रही थी। तयंग अपने कमरे में तैयार होने के लिए आया था, लेकिन तय कमरे में आकर टेबल लैम्प के पास से फोटो फ्रेम लेकर ग्राउंड पर नील डाउन होकर बैठ जाता है। त्यांग फोटो को अपने सीने से लगाकर बैडली क्राई करने लगता है। त्यांग रोते हुए बड़बड़ाकर कहने लगता है, मैं तुम्हारे प्यार डिजर्व नहीं करता, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मेरे वजह से हर बार तुम्हारे लाइफ डेंजर में पड़ी है, मैंने हमेशा तुम्हें हर्ट किया है, मुझे समझ जाना चाहिए था तुम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते, मैंने खुद अपने हाथों से हमारी दुनिया उजाड़ दिया है, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसे मैं खुद अपने आप से दूर कर दिया है, अब जीने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तयंग के माइंड पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। रोने के वजह से तयंग के सिर में भयानक दर्द होने लगता है। तयंग गुस्से में जोर जोर से दीवार पर पंच करने लगता है। आर्म्स स्ट्रेंथ यूज करने के कारण
त्यांग के बैग पर काफी दबाव पड़ रहा था और जख्म खोलने लगता है। जख्म खुलकर वहां से खून निकालकर बैक साइड शर्ट को गीला कर रहा था, लेकिन त्यांग इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर एंगर में कमरे की सभी चीजों को तोड़ने लगता है। उसे लगा उसने अपना प्यार अपने हस्बैंड जोंगकुक को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। जोंगकुक के बिना अब उसके लाइफ मीनिंगलेस बन चुका है। तेयंग कमरे की सभी चीज तोड़ रहा था और जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, मेरे वजह से हुआ है सब कुछ, मैंने किया है सब कुछ, मेरे वजह से आज उसे प्री मेच्योर बेबी डिलीवर करना पड़ा, मेरे वजह से बार बार उसे चोट मिलता रहा है, मैंने खुद उसे अपने लाइफ से जाने दिया, उसे डिवोर्स दे दिया, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि वह किसी और से प्यार करता है, जोंगकुक मुझे धोखा दे सकता है, कैसे कर दिया मैंने ऐसा। ब्लड से तेयंग के व्हाइट शर्ट पूरी तरह से रेड बन चुका था। तेयंग का शरीर गुस्से में कांप रहा था। तेयंग चीखते हुए कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा, मैंने बार बार तुम्हारी गलती को इग्नोर कर तुम्हें हमारे मैरिड लाइफ से दूर रखने की कोशिश किया था, लेकिन तुम हर बार मेरे अच्छाई का फायदा उठाकर मैं जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसे हर्ट करने की कोशिश की। गुक एक्सीडेंट के बाद से मैं अब तक इसी गिल्ट के साथ जी रहा हूँ कि शायद मुझे थोड़ा और कोशिश करना चाहिए था तो आज तुम जिंदा होती, लेकिन तुमने हमेशा मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुम विश्वास के लायक ही नहीं थी। त्यांग जल्दी से ग्राउंड से उठकर वार्डरोब से क्लोथ निकाल कर कपड़े बदल लेता है। उसने अभी भी खून को नोटिस ही नहीं किया। त्यांग कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आ जाता है। त्यांग अजुम्मा के गोद से लिटिल प्रिंसेस को लेकर विला से बाहर जाने के लिए जैसे ही पैर आगे की ओर बढ़ाता है, आयन पीछे पीछे भागते हुए आकर त्यांग के पैरों को पकड़ कर कहता है, पापा आप लिटिल प्रिंसेस को कहाँ लेकर जा रहे हो, आयन ऑल्सो कम। तेयंग कहता है, नो बेबी तुम नहीं जा सकते, लिटिल प्रिंसेस बीमार है इसलिए डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, तुम यही रहो, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा, ओके। ये कहकर तेयंग नीचे झुककर आयन के फोरहेड पर किस करके कहता है, जाओ जाकर अजुम्मा से चॉकलेट ले लो। आयन फिर भी तेयंग के साथ जाने के लिए जिद करने लगता है। आयन कहता है, वेयर इज आयन मम्मा, आई वॉन्ट मम्मा, मैं मम्मा के पास जाना चाहता हूँ, आयन मिस मम्मा। तेयंग आयन के नैनीस के तरफ देखकर उन्हें इशारा करते ही नैनीस जबरदस्ती आयन को पकड़कर अपने साथ बेबी रूम के अंदर लेकर आता है। मिस हान कहती है, आयन चलो गेम प्ले करते हैं। कौन सा गेम प्ले करना है, आयन रोने लगता है। मिस हान कहती है, लिटिल मास्टर डोंट क्राई, आपके मम्मा हॉस्पिटल में हैं, पापा आपके मम्मा को लाने के लिए गया है। तेयंग लिटिल गर्ल के साथ कार में आकर बैठ जाता है। ते एक हाथ से उसे अपने बाहों में होल्ड कर लिया था और दूसरे हाथ से कार ड्राइव कर रहा था। अचानक ते को डिजीनेस महसूस होता है, आंखों के सामने ब्लैक डॉट्स आने लगता है। तेयंग बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ रोड पर फोकस रखकर कार ड्राइव कर रहा था। कार एक अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकते ही तेयंग अपने लिटिल प्रिंसेस के साथ कार से निकल आता है। तेयंग डोर के बाहर खड़े होकर कॉन्टिन्यूसली डोर बेल प्रेस करने लगता है। युंगी बेडरूम के लाइट्स को ऑन करते ही जिमिन उठ जाता है। जिमिन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तभी फिर से डोर बेल बजता है, इतने रात को कौन हो सकता है। युंगी कहता है, तुम सो जाओ मैं जाकर देखता हूँ। युंगी बाहर आकर लुकिंग ग्लास से बाहर कौन है ये देखने की कोशिश करता है। बाहर इतना अंधेरा था जिसे उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। योंगी डोर ओपन कर बाहर तेयंग को देखकर हैरान हो जाता है। उसके गोद में न्यू बॉर्न बेबी भी था। योंगी के कुछ कहने से पहले तेयंग उसे पीछे की ओर पुश कर अंदर आकर जोर जोर से जोंगकुक को बुलाने लगता है। जोंगकुक की हायर आर यू, प्लीज बाहर आओ। योंगी कहता है, शट अप, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम चीख रहे हो, जोंगकुक यहाँ नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से।
तंग गुस्से में योंगी के तरफ देखकर कहता है, मूव, आई नो कुक इस घर में है। जोंगको की, अभी बाहर निकलो। लिटिल गर्ल अभी भी रो रहा है। तयंग योंगी को दूर धकेल कर सिरों से ऊपर जाने लगता है। योंगी कहता है, जोंगकुक तुमसे नहीं मिलना चाहता, भूलो मत तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है, अब उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तयंग कहता है, उस पर अभी भी किम तयंग का ही अधिकार है और रहेगा, अभी भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, उसने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया। जिमिन तयंग के सामने आकर खड़े हो जाता है। जिमिन कहता है, मैं नहीं चाहता तुम मेरे भाई से मिलो, मैं तुम्हें दोबारा उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। तयंग कहता है, हट जाओ मेरे सामने से, वरना उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने जो गलती की उसके लिए वो मुझे पानिश कर सकता है, कोई और नहीं। जिमिन तयंग के सामने से हट जाता है। तयंग बेबी के साथ कमरे में आकर जोंगकुक को बेड पर लेटा हुआ देखकर गहरी सांस छोड़ता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो। और हाँ, मैंने एक और चैनल क्रिएट कर लिया है जिस पर मैं सिर्फ टॉप कुक स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि टॉप 23 स्टोरी के लिए ऑलरेडी एक अलग चैनल है। चैनल की पिक्चर और लिंक कम्युनिटी पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच बेबीज, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। आई डोंट नो मैं इस प्यार के लायक भी हूँ या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सबको मेरी स्टोरीज एंटरटेन करने की और खुश करने की। जो लोग अनकंडीशनली मुझे सपोर्ट करता है और मुझे प्यार करता है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।